जो चांडाल होते हैं, जब चंद्रग्रहण पड़ता है तो नदी के किनारे, सरोवर के किनारे, सागर के किनारे चांडाल लोग होते हैं, वो आवाज लगाते हैं, क्या दे दान, तो छूटे ग्रहण, क्या माना अपने विकारों का दान दो, योगदान दो, तो चंद्रमा का ग्रहण छूट जाएगा। माना ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जगदम्बा काली में प्रवेश कर जाता है तो वो काली के मस्तक में क्या दिखाया जाता है? क्षीण हुआ चंद्रमा दिखाया जाता है। वो चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ है पांच विकारों का, वो महाकाली जगदम्बा जो प्रकृति का रूप है, प्रकृति माता है, वो जड़ बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? जड़ तुम्हारी है। वो भगवान के रूप को पहचान सकती है या नहीं पहचान सकती? नहीं पहचान सकती। इसलिए मुरली में बोला है, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते, जिंदगी भर मेरे साथ रहे और फिर भी मेरे को नहीं पहचाना। तो जड़ बुद्धि हुए या चैतन्य बुद्धि हुए? जड़ तुम्हारी बुद्धि हो गई। ऐसी जड़ बुद्धि वालों को योगदान दो, तब आत्मा का ग्रहण छूटेगा, क्योंकि वो तुम्हारी अम्मा है। तो अपने अम्मा बाप का ही उद्धार नहीं कर सके, उसकी परवरिश नहीं कर सकते, तो तुम किसकी परवरिश करोगे? बालिग बुद्धि हो तो समझ से काम लो। प्रकृति माता कहो, जगदम्बा कहो, महाकाली कहो, अगर उसको योग का दान न दिया, दे दान, तो छूटे ग्रहण नहीं होगा, पूरा महाविनाश हो जाएगा, सब मर जाएंगे, ज्ञान में से टूट जाएंगे।